सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, कंपनी वाले पानी की टंकी रोटेशनल मोल्डिंग की सहायता से बनाते हैं। रोटेशनल मोल्डिंग निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव या किसी अन्य नरम कच्चे पदार्थ को अपनी इच्छा से आकार दिया जा सकता है। एक बड़ी सी केसिंग होती है जिसमें चार टंकी के आकार के या बिल्कुल टंकी जैसे मोल्ड होते हैं। इन मोल्ड को खोलकर इनमें लीनियर लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन डाला जाता है, जो एक ऐसा मटेरियल है जिससे प्लास्टिक की कुर्सी, टंकी, बाल्टी, बोतल आदि बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर केसिंग के अंदर भट्टी को स्टार्ट किया जाता है और केसिंग के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। दरवाजे को बंद करने के बाद घूमने के टाइम को सेट किया जाता है। लगभग एक टंकी 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, इसलिए साइकिल टाइम 15 या 20 मिनट ही रखा जाता है। फिर अंदर भट्टी जलती रहती है और LLDPE सामग्री पिघलकर द्रव पदार्थ में बदल जाती है और घूमने के कारण मोल्ड का आकार ले लेती है। ये तो आपको पता होगा कि टंकी की लेयर भी होती हैं। आपने किसी को कहते हुए सुना होगा कि ये दो लेयर की टंकी है, ये चार लेयर की टंकी है। तो ऐसी दूसरी लेयर बनाने के लिए ऊपर से PP पॉलीप्रोपाइलिन का मटेरियल डाला जाता है, जिसकी वजह से टंकी के अंदर एक और लेयर बन जाती है। ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जान पाएँ कि टंकी कैसे बनती हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।